छात्रों, आज कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत हम पर्यवेक्षण एवं अभिप्रेरणा अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरणा अध्याय के अंतर्गत आज हम यहाँ पर अभिप्रेरणा के को विस्तार से हम यहाँ जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा जो है एक कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उसका उत्साह बढ़ना, उसकी पहल शक्ति को बढ़ाना, उसकी इच्छा को बढ़ाना। अब एक उपक्रम के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत है, कहीं ना कहीं उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो अभिप्रेरणा का मुख्य रूप से कारण बनती है। अर्थात जितना ज़्यादा व्यक्ति कर्मचारी अभिप्रेरित होता है वो उतना बेहतर कार्य यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर जो है मैस्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो है आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत, जिसको हम अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। इसको जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने सन 1943 में अभिप्रेरणा का ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका सिद्धांत यह बताता था कि मानवीय आवश्यकताओं पर यह आधारित है। चूंकि मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, अनंत होती हैं, जिन्हें वो प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उनकी संतुष्टि का जो क्रम है वो तीव्रता के आधार पर होता है। अर्थात हमारी जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है उन आवश्यकताओं को पहले पूरा करते हैं जो ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए आवश्यक है। तो इसका जो क्रम है वो तीव्रता के आधार पर होता है। अर्थात सबसे पहले हम उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम हम तीव्र, तत्पश्चात क्रम से कम तीव्र आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो मैस्लो का जो आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत है वो ये बताता है हमें कि हमारी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वो बहुत सारी अनंत हैं, बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हमारी सभी इच्छाएं जो हैं वो हमारे लिए सभी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हमारी वही होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन या साधन हैं, वही हमारी आवश्यकता बन सकती। तो यहाँ पर हम जब हमारे पास आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, साधन हमारे पास बहुत सीमित हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे सबसे तीव्र या बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट वाली आवश्यकता है हम पहले उसको पूरा करते हैं, उसके बाद फिर साधनों के आधार पर हम दूसरी तीसरी क्रम से अगली आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर जो मैस्लो ने प्राथमिकता के आधार पर निम्न 5 भागों में आवश्यकता को जो है वर्गीकृत किया है, जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो है मैस्लो की आवश्यकता का प्राथमिकता क्रम को दर्शाने वाला पिरामिड। सबसे पहले जो एक शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जो बेसिकली उसको चाहिए, जैसे भोजन, कपड़ा, पानी, मकान, ये उसकी जो है ये भूख से जुड़ी हुई आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं। संगठन के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि आधारिक वेतन जो उसको प्राप्त होता है उससे वो अपनी ये आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये सबसे मुख्य जो उसकी पहली बेसिक आवश्यकता हो गई वो उसके जीवन यापन से संबंधित हो गई। तो जैसा कि अभी बताया कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं, लेकिन सबसे पहले जो बहुत अधिक आवश्यकता है हमारी, हम उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी भोजन से जुड़ी हुई आवश्यकता हो गई। तो आधारभूत शारीरिक आवश्यकता जो है हमारी ये इससे संबंधित हो गई। फिर दूसरा हो गया सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, रहने के लिए मकान और भी जो है विभिन्न हमारे जीवन यापन से जुड़ी हुई सुरक्षा से संबंधित जो विभिन्न आवश्यकताएं वो हो गई। तो यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत जो है निवृत्त पेंशन योजना वगैरह, भविष्य में जो हमें जब हम सर्विस में ना रहें तब उस समय हमें अपने जीवन यापन के लिए जो एक निर्धारित वेतन प्राप्त होता रहे, राशि प्राप्त होती रहे, तो ये आय का स्थायी स्रोत जो है ये हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर संबंध आवश्यकताएं, जो जिस समाज सोसाइटी में हम रहते हैं
वहां पर सहकर्मियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से ये हमारी संबंध संबंधी जो है आवश्यकताएं पूरा होती है। फिर इसके बाद प्रतिष्ठा मान सम्मान संबंधी आवश्यकता ये जो है हम जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उस पद के अनुरूप जो है हमारी प्रतिष्ठा और मान सम्मान संबंधी ये पद प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकता पूरी होती है। इस प्रकार से हम जो है आत्मसंतुष्टि जो हमें प्राप्त होती है ये सब करने के बाद जो देश की पूर्ति जो हमारी आत्मसंतुष्टि संबंधी आवश्यकताएं जो हमें हमारी पूरी होती है। तो इस प्रकार से जो मैस्लो का जो आवश्यकता का जो प्राथमिक क्रम है जिस क्रम में हमें अपनी आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं उसको दर्शाने वाला ये एक प्रकार का क्या है पिरामिड उन्होंने तैयार किया था। इसको अब हम विस्तार से और समझेंगे। यहाँ पर पहली चीज जो हमने बताई थी कि आधारभूत शारीरिक आवश्यकता है, ये मुख्य आवश्यकताएं होती हैं जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक हैं। जैसे भूख के लिए भोजन चाहिए, रहने को मकान चाहिए, पहनने को कपड़े और आराम के लिए नींद, ये जो है मुख्य हमारी शारीरिक आवश्यकताएं बेसिकली जो हमें होना ही होना चाहिए। फिर दूसरी आवश्यकता जो उन्होंने बताई थी सुरक्षा व बचाव संबंधी आवश्यकता। सुरक्षा से आशय जो है भौतिक व आर्थिक सुरक्षा से होता है, जिसमें भौतिक सुरक्षा बीमारी दुर्घटना से सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति में रोजगार आय पेंशन बचत आदि को रखा हुआ है। तो सुरक्षा और बचाव संबंधी जो आवश्यकता है भौतिक व आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसमें हमें यदि बीमारी हो जाती कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में और साथ ही आर्थिक स्थिति में हमें रोजगार नौकरी वगैरह आय पेंशन बचत आदि को उन्होंने सुरक्षा व बचाव संबंधी आवश्यकता में रखा है। फिर तीसरी प्रकार की जो हमारी आवश्यकता होती है वो संबंध या सामाजिक आवश्यकता। संबंध या सामाजिक आवश्यकता से तात्पर्य यहाँ पर कि जब हम एक माहौल में या किसी एक सामूहिक स्थान पर जब कार्य करते हैं तो वहाँ पर हमारे आपसी लोगों से संबंध बन जाते हैं जो कि भावनात्मक होते हैं। तो ये आवश्यकताएं स्नेह मित्रता संस्था से संबंध जैसे भावों से जुड़ी होती हैं। उपक्रम में यह आवश्यकता अनौपचारिक संगठन के द्वारा पूरी की जाती है। तो यहाँ संबंध या जो सामाजिक आवश्यकता है ये अनौपचारिक संगठन के द्वारा पूरी की जाती है। तो यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा व बचाव संबंधी आवश्यकता और संबंध या सामाजिक आवश्यकता। इसके बाद जो चौथी प्रकार की आवश्यकता थी वो प्रतिष्ठा मान सम्मान संबंधी आवश्यकता। एक व्यक्ति जो जीवन भर कार्य करता है तो उस कार्य स्थल पर वो अपनी एक प्रतिष्ठा चाहता, अपना एक मान और सम्मान चाहता, तो ये भी उसके लिए एक प्रकार की आवश्यकता है। तो ये उन कारकों से जुड़ी होती जिसमें आत्मसम्मान, अपनी पहचान, स्वतंत्रता, पद सम्मान आदि से होता है। यहाँ संगठन इन आवश्यकताओं को कार्य का पद पहचान आदि द्वारा संतुष्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति जिस संस्था में कार्य करता है वो उस संस्था में कार्य करते हुए अपना आत्मसम्मान, अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी स्वतंत्रता, अपना पद, अपना सम्मान चाहता है। तो यहाँ पर ये उस संगठन में कार्य करते हुए प्रतिष्ठा मान सम्मान संबंधी भी उसके लिए क्या है एक प्रकार की सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है, जिसमें एक व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर पर ले जाने से है। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम स्तर पर पहुंचे इसकी चाह से है। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशे में विशेषज्ञ या निपुण बनकर समाज में एक उच्च स्तर पर पहुंचना चाहता है। हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक संस्था में, एक उपक्रम में और प्रेरणा के माध्यम से जो है एक व्यक्ति जो है अपने कार्य के स्तर को उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहता है कि एक ख्वाहिश रहती है कि वो अपने कार्य में परिपक्व हो, दक्ष हो, उसका एक उस कार्य में अपना अच्छा नाम। तो जब ये स्थिति हो जाती है तब उसको एक आत्मसंतुष्टि भी होती है कि उसके द्वारा जीवन में जो कार्य किया गया वो उसके द्वारा बेहतर कार्य किया गया। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए हम देखते हैं डॉक्टर अपने पेशे में विशेषज्ञ या निपुण बनकर समाज में एक उच्च स्तर पर अपनी पहचान, एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है जो उसकी आत्मसंतुष्टि आवश्यकता को पूरा करता है। अब यहाँ हम देखेंगे अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्वों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। अभिप्रेरणा को जो है
जो प्रकार हैं यहाँ मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा है। पहला है वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणा, दूसरा है गैर वित्तीय या अमौद्रिक अभिप्रेरणा। तो जैसा कि पूर्व में भी बताया कि वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणा अर्थात वो प्रेरणा जो कि धन से, पूंजी से, वेतन से जुड़ी हुई है। तो वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणा जो है, वित्तीय प्रेरणा कर्मचारी को अपने जीवन निर्वाह तथा सम्मान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाता। इसमें कर्मचारी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ का प्रलोभन दिया जाता है। जैसे कि यदि कोई कर्मचारी बेहतर कार्य करता है तो उसकी वेतन वृद्धि दी जाती है, या उसको इंक्रीमेंट दिया जाता है, या उसको बोनस दिया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार से या नगद पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से जब मौद्रिक धन के रूप में जब वो व्यक्ति उसको वेतन या अधिक वेतन या धन पूंजी प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, यहाँ पर अभिप्रेरित होता है। तो मार्शल के अनुसार जो है, व्यवसायिक क्रिया के लिए सबसे शक्तिशाली प्रेरणादायक घटक वेतन या मजदूरी है, जो कार्य का भौतिक पुरस्कार है। धन मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। तो एक कर्मचारी को, मजदूर को समय पर वेतन प्राप्त होगा, समय पर मजदूरी प्राप्त होगी, और बेहतर कार्य करने के अलावा उसको जो है नगद अलग से पुरस्कार प्राप्त होगा, बोनस के रूप में, वेतन वृद्धि के रूप में, तो वो बेहतर ढंग से कार्य को करता है। तो ये जो है यहाँ पर गैर वित्तीय जो है या मौद्रिक अभिप्रेरणा जो है, ये उस कर्मचारी के लिए जो है बेहतर कार्य करने का एक मुख्य साधन है। यहाँ आगे देखेंगे जो प्रमुख वित्तीय अभिप्रेरणा है वो विभिन्न प्रकार की हैं। यहाँ हम देखेंगे जो प्रमुख वित्तीय अभिप्रेरणा के प्रकार हैं या मौद्रिक अभिप्रेरणा के प्रकार, कौन कौन सी जो है विभिन्न प्रकार की वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणाएं हैं। सबसे पहली चीज तो जो है वेतन व मजदूरी। एक कर्मचारी को समय पर वेतन प्राप्त होता है, समय पर मजदूरी प्राप्त होती है, तो उस कर्मचारी का जो है मन लगाकर कार्य करने में उसका मन यहाँ पर लगता है। दूसरा प्रकार की जो वित्तीय अभिप्रेरणा है वो कमीशन के रूप में नगद पारिश्रमिक। यदि कोई कर्मचारी अपने निर्धारित कार्य के अलावा उत्पादन की बिक्री में, उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है उस संस्था के हित के लिए जो कुछ और बेहतर काम करता है, तो उसको कमीशन के रूप में जो है यहाँ पर नगद पारिश्रमिक देने से वो प्रोत्साहित होता है। फिर इसके अलावा बोनस व वेतन वृद्धि। बोनस जो है वर्ष में एक बार जो अतिरिक्त लाभार्जन लाभ जो प्राप्त हुआ है संस्था को, उस लाभ में से एक हिस्सा जो है बोनस के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता है। तो वर्ष में एक बार जो है अतिरिक्त आय के रूप में बोनस देने से उसके कार्य के प्रति उत्साह का संचार होता है। वहीं हर साल वेतन वृद्धि जो है, वेतन में एक निश्चित राशि से उसकी वृद्धि की जाती है, वो कराती है वेतन वृद्धि। तो बोनस व वेतन वृद्धि प्राप्त होने से अभिप्रेरित होता है। फिर अवकाश का नगदीकरण। अवकाश के नगदीकरण से यहाँ पर तात्पर्य है कि एक कर्मचारी को जो महीने में या एक निर्धारित समय में जितने अवकाश उसको प्राप्त होते हैं, अब यदि वो उन अवकाश दिवसों में भी कार्यालय में पहुंचकर या कारखाने में पहुंचकर कार्य करता है, तो जिन अवकाश के दिवसों में उसने कार्य किया है उन अवकाश दिवसों का वेतन दिए जाने से कर्मचारी जो है कार्य के प्रति उत्साहित होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेंशन, ग्रेच्युटी आदि। ये भविष्य की लिए कर्मचारी के मन में एक सुरक्षा की भावना पैदा कर। तो एक कर्मचारी को यदि ये आश्वासन होगा कि भविष्य में रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त होने के पश्चात या उसके न रहने के पश्चात जो उसके परिवार को पालन पोषण के लिए जो पेंशन की राशि उसको प्राप्त होगी, सेवानिवृत्ति के बाद उसको ग्रेच्युटी की एक निर्धारित राशि प्राप्त होगी, तो ऐसी स्थिति में वह भविष्य के आर्थिक पक्ष के प्रति वो क्या रहेगा, निश्चिंत रहेगा। ऐसी स्थिति में जो है वो मन लगाकर संस्था हित में काम करता है। फिर महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता। समय समय पर जो है कर्मचारी को
बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो विभिन्न का महंगाई भत्ता दिया जाता है और भी इसको अन्य भत्ता, जैसे यदि कहीं वो कार्यालय के कार्य से दूसरे जिले या दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको यात्रा भत्ता दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं TA, ट्रेवलिंग अलाउंस। फिर भोजन भत्ता, उस स्थान पर खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए जो भत्ता दिया जाता है। फिर चिकित्सा भत्ता, समय समय पर इलाज के लिए जो है, चिकित्सा के लिए जो उसको अलग से भत्ता दिया जाए। इसी प्रकार से वाहन भत्ता हो गया, मकान किराया के साथ जो है ओवर टाइम और लाभांश आदि देने से कर्मचारी क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के धन के रूप में उसको जो आर्थिक हित में जो उसको प्राप्त होता है वो कहलाती है प्रमुख वित्तीय अभिप्रेरणा, जिसमें ये प्रकार है वेतन मजदूरी, कमीशन, बोनस, अवकाश का नकदीकरण, पेंशन, ग्रेच्युटी और महंगाई भत्ता इत्यादि। इसके बाद अब हम देखेंगे जो दूसरा प्रकार है अवित्तीय या अमौद्रिक अभिप्रेरणा से आशय व उसका प्रकार। तो ये एक मानसिक अभिप्रेरणा है। अवित्तीय जो है इसका संबंध जो है धन से नहीं है। अभी वित्तीय अभिप्रेरणा में देखा हमने कि वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणा का संबंध सीधा किससे जुड़ा है, धन से जुड़ा है, वह कर्मचारी को आर्थिक लाभ होता है। लेकिन अवित्तीय या अमौद्रिक अभिप्रेरणा जो है ये इसका संबंध जो है धन से नहीं है। ये क्या है, एक मानसिक अभिप्रेरणा है। ये मनुष्य की आंतरिक मानवीय भावनाओं को संतुष्ट करती है, जो कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाती है, इससे कार्यक्षमता में उसकी वृद्धि होती है। तो ये एक प्रकार की मानसिक अभिप्रेरणा है। जब हम किसी कर्मचारी को शाबाशी देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके कार्य को समझते हैं, इससे कर्मचारी का आंतरिक जो मानवीय भावनाएं हैं, मनोबल जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। और उसकी जो मानवीय भावनाएं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहता है, तो जब बेहतर कार्य होगा तो उसकी बेहतर तारीफ होगी। इससे जो कर्मचारी है वो क्या होगा, उसकी जो मानवीय भावनाएं हैं वो संतुष्टि होंगी और वो प्रेरित होगा। तो ये कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाती हैं, इससे उसकी क्या होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और उसका कार्य करने में मन लगता है। इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें, कार्य सुरक्षा प्रदान करता है। एक अभिप्रेरित व्यक्ति जो है, कर्मचारी जो है, बेहतर ढंग से जब अभिप्रेरित रहता तो अपने कार्य को बेहतर ढंग से करता है और वह कार्य के प्रति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। फिर वहीं कार्य संतुष्टि, अभिप्रेरणा से जो अभिप्रेरित व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रति क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। फिर पदोन्नति, बेहतर कार्य करने से उच्च पद की उसको प्राप्ति होती है। इसी के अलावा संस्था की जो कार्य की दशाएं हैं, वो यदि कार्य की दशाएं बेहतर हैं तो कर्मचारी का कार्य करने में मन लगता है। इसी प्रकार से सहभागिता, यहाँ पर उच्च प्रबंध और कर्मचारियों के बीच में जो है आपस में मिलकर कार्य को पूरा करने की भावना बनी रहती है, तो सहभागिता बराबर बनी रहती है। फिर सराहना व सम्मान, कर्मचारियों को, अभिप्रेरित कर्मचारियों की सराहना होने से, सम्मान होने से उनका जो है कार्य के प्रति मनोबल बढ़ता है। फिर कुशल नेतृत्व व न्यायपूर्ण व्यवहार, आप यहाँ पर जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसमें जो कर्मचारी बेहतर कार्य कर रहे हैं उनको सराहना और के माध्यम से जो है वो बेहतर कार्य कराया जाता है। तो यहाँ पर ये हमने देखे अवित्तीय या अमौद्रिक अभिप्रेरणा से आशय और उसके प्रकार। यहाँ और हम विशेष रूप से देखेंगे अंतर के रूप में मौद्रिक तथा अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर। तो मौद्रिक अभिप्रेरणा और सबसे पहले मूर्त व अमूर्त की बात करें तो मौद्रिक अभिप्रेरणा जो है मूर्त स्वरूप में होती है। यहाँ नगद पुरस्कार के रूप में धनराशि प्राप्त होती है, तो ये अभिप्रेरणा कैसी है, मूर्त रूप में। जबकि अमौद्रिक जो है ये भावनात्मक होती है, इसलिए क्या है, अमूर्त है। एक व्यक्ति की मानवीय आंतरिक जो भावनाएं हैं वो संतुष्ट होती हैं इस अभिप्रेरणा से, तो ये कैसी है, अमूर्त प्रेरणा है, जो साकार रूप में नहीं है, सामने नहीं दिखती। फिर मापदंड जो है, मौद्रिक अभिप्रेरणा को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, जैसे कि एक निश्चित वेतन वृद्धि दी हमने, या निश्चित वेतन दिया, बोनस दिया, निश्चित मजदूरी दी, ये सब एक मापदंड के तहत है। लेकिन अमौद्रिक अभिप्रेरणा को जो है मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते। फिर तीसरा जो है लाभ का व व्यवहार,
इसमें कर्मचारी को वित्तीय लाभ जैसे ऊंची मजदूरी, बोनस, पेंशन आदि प्रदान किए जाते हैं, जबकि अमौद्रिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत पदोन्नति, प्रशंसा, पद पहचान आदि के द्वारा कर्मचारी के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। चौथा जो है बाह्य या आंतरिक। मौद्रिक अभिप्रेरणा जो है बाह्य या अप्रधान अभिप्रेरणा कहा जाता है, ये व्यक्ति के बाह्य रूप से कार्य के प्रति उसको वो प्रेरित करता है, जबकि अमौद्रिक अभिप्रेरणा जो है ये आंतरिक या प्रधान अभिप्रेरणा कहा जाता है। इसमें जो है अमौद्रिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति स्वयं अपने अंदर से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, उसको ये प्रलोभन नहीं होता कि वो उसको अधिक वेतन मिलेगा या अधिक बोनस मिलेगा। अमौद्रिक में वो अपने आंतरिक भावनाओं से इतना अधिक कार्य करने के प्रति जागरूक रहता है। फिर आर्थिक व मानसिक। मौद्रिक अभिप्रेरणा जो है आर्थिक प्रलोभन पर आधारित है, अर्थात एक व्यक्ति से हमें काम कराना है तो हम उसको बेहतर वेतन देते हैं, बेहतर मजदूरी देते हैं, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, आर्थिक लोभ हो गया। जबकि अमौद्रिक अभिप्रेरणा जो है वो क्या है, मानसिक है, इसमें आंतरिक भावनाएं संतुष्ट होती है। ये था मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा में अंतर। अब इसके बाद धनात्मक अभिप्रेरणा और ऋणात्मक अभिप्रेरणा, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। तो सकारात्मक या धनात्मक अभिप्रेरणा कर्मचारी के कार्य करने की दिशा में, उसकी पहल शक्ति बढ़ाने की दिशा में जो पॉजिटिव सकारात्मक कार्य किए जाएं वो धनात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत है। ऋणात्मक अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा जो है, यदि कोई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है तो उसको नकारात्मक रूप से उसको भय दिखाकर, दंड का भय दिखाकर उससे जो है कार्य कराना। तो यहाँ हम दोनों में अंतर देखते हैं कि धनात्मक अभिप्रेरण और ऋणात्मक अभिप्रेरण। पहला जो है आधार, धनात्मक के अंतर्गत जो है अभिप्रेरणा की दृष्टि से कर्मचारी के कार्यों की प्रशंसा की जाती है। तो यदि कोई कर्मचारी बेहतर कार्य करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, उसको पुरस्कृत करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं, तो वो उसके लिए क्या होगी, पॉजिटिव धनात्मक अभिप्रेरणा। जबकि ऋणात्मक अभिप्रेरणा जो है, इसमें कर्मचारी के कार्यों की बुराई की जाती है, वह भय दिखाया जाता है। यदि कोई कर्मचारी कार्य ढंग से नहीं कर रहा तो वो कार्य में कहाँ गलती कर रहा है, किस प्रकार से वो कार्य को बेहतर नहीं कर रहा है, उसकी जो है बुराई वहां पर की जाती है और उसको बेहतर कार्य ना कर पाने के लिए उसको भय दिखाया जाता है, तो वो ऋणात्मक अभिप्रेरणा। फिर प्रतिफल में धन, सम्मान व पदोन्नति की प्राप्ति होती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा धनात्मक अभिप्रेरणा में जो है उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में धनराशि प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है, पदोन्नति भी प्राप्त होती है, जबकि ऋणात्मक अभिप्रेरणा में कर्मचारी को भय तथा दंड मिलता है, वेतन वृद्धि रोक दी जाए या उसको संस्था से निष्कासित कर दिया जाए या कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। ये जो है ऋणात्मक अभिप्रेरणा है। फिर प्रभाव, धनात्मक अभिप्रेरणा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है तथा कार्य क्षमता बढ़ती है, जबकि ऋणात्मक अभिप्रेरणा का कर्मचारी पर आशा के विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहाँ धनात्मक अभिप्रेरणा में हम देखते हैं कि जो सकारात्मक अभिप्रेरित कर्मचारी है उसका मनोबल कार्य के प्रति और बढ़ता चला जाता है और कार्य की करने की जो क्षमता है वो और बढ़ती जाती है, जबकि ऋणात्मक अभिप्रेरणा जो है कर्मचारी का कार्य के प्रति हरासमेंट पैदा करता है, अर्थात जितना कार्य वो कर रहा था उससे और काम कार्य करने लगता, उसकी कार्य क्षमता जो है यहाँ पर कम हो जाती है। फिर है लक्ष्य, धनात्मक अभिप्रेरणा जो है ये वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रेरित, धारित लक्ष्य है जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए यह प्रेरित करती है, जबकि कर्मचारी को उनके लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विचलित कर सकती है। एक ऋणात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत जब कर्मचारी को डर दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो कार्य के दौरान बहुत सी प्रकार की गलतियां करता है, तो यहाँ पर वो लक्ष्य या उद्देश्य से क्या होता है, भटकता है। तो यहाँ पर जो है ऋणात्मक अभिप्रेरणा जो है कि लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विचलित कर सकती है। के बाद कुछ अभ्यास प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मैस्लो का आवश्यकता संबंधी सिद्धांत को समझाइए।
वित्तीय व गैर वित्तीय अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य समझाइए, वित्तीय अभिप्रेरणा के प्रकारों को समझाइए और एक कर्मचारी गैर वित्तीय रूप से किस प्रकार अभिप्रेरित होता है समझाइए, फिर धनात्मक व ऋणात्मक अभिप्रेरणा में अंतर लिखिए और वित्तीय व गैर वित्तीय अभिप्रेरणा में अंतर लिखिए।